मुंबई में मानसून के दस्तक देते ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। शनिवार रात से हो रही भारी बारिश के चलते मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक रिहायशी इमारत ढह गई। इस इमारत के मलबे में 6 लोग दब गए, जिनमें से 4 को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 2 लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की 3 टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। इमारत के पहले तल पर 2 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाने के लिए राहत कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सारंग कुर्वे ने बताया है कि मलबे में फंसे हुए लोगों का पता लगाने के लिए ट्रेसिंग कैमरों की मदद ली जा रही है। जैसे ही पीड़ितों का पता चल जाएगा, उन्हें मलबे से निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि इमारत का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से ढह गया, जिसकी वजह से पूरी इमारत ही गिर गई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि घाटकोपर पूर्वी की राजवाड़ी कॉलोनी में इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, 4 लोगों को बचा लिया गया है और बाकी लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। जैसे हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स है, विक्टिम लोकेशन कैमराज है, वो छोटा सा ब्रीचिंग करके विक्टिम्स लोकेशन हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में स्थानीय प्रशासन निर्णय लेगा। कोई हमारी 3 टीम यहाँ पे पहुंची है और एक टीम कंटिन्यूसली 10:30 बजे से वर्क कर रही है, और जो जैसा आप देख सकते हैं जो पैटर्न है बिल्डिंग कोलैप्स का, उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हुआ है। उसका फ्लोर असेंबली और जो वॉल असेंबली है वो कोलैप्स हुआ है, तो उसकी वजह से अप्रोच करने में उसको टाइम लगेगा। जैसे वर्ड स्पेसेस हमको मिल जाते हैं, हम ब्रिजिंग कैमरा इंसर्ट कर रहे हैं, और जैसे मिल जाता है, विक्टिम ट्रेस हो जाता है, तो उसके लिए इवैक्यूएशन करने के लिए, सर्च करने के, रेस्क्यू करने के लिए प्रयास करेंगे। अभी सिर्फ घाटकोपर में एक बिल्डिंग जो है ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की, उसका जो पार्ट पोर्शन है ऊपर का, वो कोलैप्स हो गया है, जिसमें से अभी तक 4 लोगों को सेफली रेस्क्यू किया गया है। 2 लोग अंदर होने की संभावना है, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ मिलकर कर रहे हैं।